अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीरत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि दादी मारिया को समझाती हैं कि अब दानिश तुम्हारा शोहर है, उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम कोशिश करती रहो, इंशाल्लाह दानिश तुम्हें सच्चे दिल से अपना लेगा। आपने देखा कि दानिश मारिया को साफ तौर पर कह देता है कि मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि दानिश की तबीयत खराब हो जाएगी। तबसम बेगम को परेशान देखकर मारिया पूछती है, आंटी क्या हुआ है दानिश को? तो वो कहती हैं, बीवी तुम हो, तुम्हें नहीं पता दानिश बीमार है। मारिया दानिश की देखभाल करेगी। दूसरी तरफ स्मैर के दोस्त कमल के भाग जाने की वजह से स्मैर को तरह तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से स्मैर शायद की माँ को धमकाता है। उसकी माँ रोते हुए शायद को फोन करती हैं और बताती हैं कि स्मैर ने मेरा जीना हराम कर दिया है, हर दूसरे दिन परेशान करने आ जाता है, तुमने बहुत गलत किया है। शायद बहुत गुस्से में आ जाता है और स्मैर को रास्ते में रोक कर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ को तंग करने की? स्मैर कहता है, कमल कहाँ है? शारक स्मैर से कहता है, मुझे नहीं पता कि कमल कहाँ है, वो ना मेरे साथ थी और ना अब है। स्मैर कहता है, हिम्मत की क्या बात की थी तुमने, हिम्मत तो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। वो आपस में खूब लड़ते हैं। शारक स्मैर से झूठ बोल देता है कि कमल मेरे साथ नहीं है। दानिश निशा के साथ बैठा प्यार भरी बातें कर रहा होता है तो दादी उसे देख लेती हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि मारिया के साथ कहीं उन्होंने गलत तो नहीं किया दानिश की शादी मारिया से करवा कर। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।